गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपके 3 क्वेश्चन का जवाब दूंगा। टीबी होने का कारण क्या है, कैसे होती है और कितने टाइप की होती है। अब टीबी कैसे होती है? टीबी की एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण होती है और अपने देश में बहुत ही कामन है। इतनी कामन है कि साल में लाखों लोग टीबी से ग्रसित होते हैं और लाखों लोग की मृत्यु भी हो जाती है। और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रभावित करती है, जैसे हड्डी की टीबी है, जॉइंट्स की टीबी है, दिमाग की टीबी है, पेट के अलग अलग हिस्सों में टीबी हो सकती है, फेफड़े में टीबी है, यूट्रस है, सर्विक्स में, तो बांझपन का भी बड़ा कारण बनती है। तो ये अपने देश में मौत का एक बड़े कारणों में से है। तो टीबी का बैक्टीरिया है, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, ये बहुत स्लोली ग्रो करता है और इसके जो बैक्टीरिया के ऊपर जो सरफेस होती है, माइकोलिक एसिड होता है, उसके कारण जो नॉर्मल एंटीबायोटिक हम लोग दूसरे बैक्टीरिया में देते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है और ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ही, होता तो ये बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन ये आम बैक्टीरिया से थोड़ा भिन्न होता है और इसको कई बार डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है। तो ये तो हो गया कारण। अब कैसे कैसे फैलती है इसकी बात करें तो ये टीबी का बैक्टीरिया एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब कि हवा के द्वारा फैलती है। तो एक व्यक्ति जब खांसता है, जब छींकता है, खांसते समय कफ निकलता है, उस समय टीबी का बैक्टीरिया उस व्यक्ति से निकलता है और जो भी उसके संपर्क में आता है वो दूसरा व्यक्ति उससे ग्रसित हो जाता है। तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो खांसने से और छींकने से फैलता है। इसलिए अगर बचना है तो अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है तो उसको खांसने और छींकते समय हमें ध्यान रखना होगा कि वो खांसते छींकते समय रूमाल का, टॉवल के, किसी चीज़ का उपयोग करके अपना मुंह ढके और उसके साथ जो है वो मास्क वगैरह लगा के रखे। ये कोई बीमारी छूने से नहीं होती, किसी व्यक्ति के कपड़े पहनने से, साथ रहने से नहीं फैलती, सिर्फ ये खांसने से फैलती, मतलब एक व्यक्ति के फेफड़े से दूसरे व्यक्ति के फेफड़े में जा सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को मान लो हड्डी की टीबी है तो हड्डी की टीबी वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टीबी नहीं दे पाएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को ये बताएगा कि आपके पेट में टीबी है, तो पेट में अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो वो अपने घर वालों को, साथियों को, जहाँ पर काम करता है उसको इन्फेक्शन नहीं देगा। तो पेट वाला टीबी सिर्फ पेट में होनी चाहिए, फेफड़े में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि ये कैसे होती है, मतलब लंग्स के द्वारा होती है। अब होता क्या है कि टीबी के बैक्टीरिया किसी जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन देता है उसके फेफड़े में जाता है, वहाँ पे एक मैक्रोफेज नाम के सेल्स होते हैं, वो 3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसको मार देते हैं 50% केसेस में, बीमारी ख़त्म। 45% केसेस में बैक्टीरिया को मैक्रोफेज पकड़ तो लेता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं मार पाता, लेकिन बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन नहीं करा पाता, जिसको हम लोग लेटेंट टीबी या डारमेंट टीबी बोलते हैं। अब ऐसा 45% केसेस में होता है, टीबी का कीटाणु पड़ा रहता है लेकिन कोई बीमारी नहीं करता, लेकिन जब उस व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होगा तब कभी बाद में उसके अंदर टीबी का इन्फेक्शन पनप सकता है। तो जैसे आज मान लो 2021 में किसी को टीबी का बैक्टीरिया आया, डारमेंट स्टेज में है, अब उसका 2030 में कभी शरीर कमज़ोर पड़ता है किसी भी वजह से, बीमारी से हो सकता है या और भी दवाइयों के असर के कारण हो सकता है, स्टेरॉइड के कारण हो सकता है, उस केसेस में वो टीबी का बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा। तो एक्सपोजर 10 साल पहले हुआ था, ग्रो अभी कर रहा है, और 5% केस में ऐसा हो सकता है कि टीबी का बैक्टीरिया और सडन उसने फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन वगैरह चालू कर दिया और डैमेज करने लगा और वहाँ से फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया। तो ये तो हो गई कारण। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि ये कितने टाइप की होती है टीबी, तो टीबी शरीर के लगभग अलग अलग हिस्सों में इन्वॉल्व हो सकती है। हम लोग मोटे तौर पे 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पल्मोनरी टीबी मतलब फेफड़े की टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब कि फेफड़े के अलावा जगह की टीबी। तो जितने टीबी के केसेस होते हैं उसमें से 50% तो फेफड़े की टीबी होती है और बाकी के जो 50% होते हैं वो फेफड़े के अलावा दूसरी जगह हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आँख में हो गया, नाक में हो गया, कान में टीबी हो गई, ब्रेन में हो गई, स्किन में हो गई, लिवर में हो गई, किडनी में हो गई, पेट के अंदर, यूट्रस, टेस्टिस, हर जगह टीबी हो सकती है, हड्डियों के अंदर हो जाना, जॉइंट्स के अंदर हो जाना, उंगलियों में हो जाना। तो 50% केसेस में फेफड़े के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर, तो इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती है और उस हिसाब से फिर लक्षण आते हैं। कई बार टीबी को डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है और किस टाइप की टीबी है, किस आर्गन में अफेक्ट है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी चलता है। जो दवाइयां हैं ज़्यादा होती हैं टीबी की, अमूमन जैसा कि हम जानते हैं कि फेफड़े में टीबी है, लिम्फ नोड में टीबी है, पेट में टीबी है, तो 6 महीने दवाई चलती है। हड्डी ब्रेन की टीबी में ज़्यादा दिन दवाई चलती है।
और अगर कुछ केसेस में रेजिस्टेंस भी आ रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ रही है, जिसका इलाज और लंबा चलता है, दवाइयाँ बदल जाती हैं, इंजेक्शन वाली दवाइयाँ आती हैं, ज़्यादा दवाइयाँ आती हैं, साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आते हैं, तो ये टीबी का टाइप हो गया। तो अलग अलग तरह की टीबी मतलब अलग अलग हिस्सों में अफेक्ट कर सकती हैं, जांच का तरीका बदल जाएगा, इलाज का तरीका, जो दवाइयां हैं वो बदल जाएंगी। तो आपके जो तीन ये क्वेश्चन हैं उसके जवाब थे।